फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ आलू गोश्त की रेसिपी, और बहुत यम्मी और बहुत क्विक रेसिपी लेकर आई हूँ, जल्दी बनने वाली। सबसे पहले मैंने एक पैन में प्याज रख दिया है। इस तरह मैंने प्याज कट करके रखा हुआ था, इस तरह मैंने प्याज कट कर लिया है। अब इसमें डालूँगी मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। ये ब्रेन एंड बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद है, तो इसको ज़रूर आप लोग ट्राई करें। ये बहुत कम लगता है, ये ऑलिव ऑयल आप बहुत कम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा भी डालें तो ज़्यादा हो जाता है। ये है टमाटर, तीन बड़े बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं, और ये मैंने आलू भीगने डाले हुए हैं मिर्ची के साथ, भीगने डाले हुए हैं, सब वॉश करके रख लिए। आलू इसलिए मैंने भीगने डाले हुए, पहले हमारा गोश्त गलेगा तो हमने आलू डालना है, इसलिए जब तक कि आलू काला ना हो जाए हमने पानी में इसको कट करके डाल देना है छिलके। अच्छा, ये हमारे बीफ यहाँ पर है, ये मैं नली के साथ डालूंगी ताकि ये इसका भी थोड़ा जूस छूटे। मैं ऑयल डाल देती हूँ, पैन में मैंने ऑयल, आपको पता है हर खाने में जीरा लाजमी डालती हूँ। जीरा डालना भी चाहिए, ये आपके बॉडी को ठंडक पहुँचाती है, और सबसे मेन चीज़ जीरा पेट के लिए बहुत मुफीद है, तो हर खाने में जीरा थोड़ा भी डालने पर लाजमी डालती है। जो बासीर होती है जीरे की वो बहुत ठंडी होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा भी डाल देती हूँ ताकि ये जो आपके गैस या बाद में जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, अगर आप थोड़ा जीरा डालें। यहाँ प्याज हमारे तक लाइट ब्राउन हो जाए, फिर मैं उसके बाद अदरक लहसुन डालूंगी। अच्छा जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये देखें, जब प्याज इस कंडीशन में हो जाए, क्योंकि प्याज को हमें इसलिए थोड़ा सा ऑयल में डाल करके थोड़ा रहने देना होता है ताकि प्याज का जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। सही, ज़ीरा मैंने डाला था ऑयल में और प्याज डाला था, और प्याज की इस कंडीशन में आप अदरक लहसुन ऐड कर दें। इसी के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, और टमाटर मैं इस तरह कट करके डालती हूँ कि ना इसके अभी छिलके भी आपको निकाल के दिखाऊंगी। इस तरह मैं कट करके टमाटर डाल देती हूँ, क्योंकि छिलके सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, और आप छिलके से थोड़ा अवॉइड कर लें। सही, इस तरह करके इसको भी थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ दूँगी टमाटर के, इससे भी छिलके निकल आएंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह निकालती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, जो पानी मैंने ऐड किया है, अब मैं इसको कवर अप कर दूंगी, और फिर इसके छिलके खुद ब खुद नरम होकर निकल जाएंगे आराम से। अच्छा जी फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं बताती हूँ टमाटर के छिलके इस तरह, ये देखें, ये मैंने इस तरह के, ये देखें, ये मेरे पूरे चम्मच में टमाटर के छिलका आ गया, ठीक है, ये पूरा ये छिलका है, ये देखें, इस तरह करके सारे छिलके निकाल देना, आराम से निकल जाएंगे, बस 2 मिनट में निकल। अच्छा जी फ्रेंड्स, इस कंडीशन में देखें टमाटर बहुत अच्छे से गल गए। अब मैं इसके बाद बीफ डाल के इसको कवर अप कर दूँ, थोड़ा सा पानी और बीफ डाल के। ज़्यादा पानी नहीं लेना, मैंने इसको थोड़ा सा पानी देना है, इस तरह करके इसको मैंने सही इसको कवर अप करके स्लो फ्लेम पे छोड़ देना। अच्छा जी फ्रेंड्स, अब ये देखें इसका पानी थोड़ा सा सूख गया है। अब इसी स्टेज पर मैं सारी चीज़ें डालूंगी, ताकि ये है कहना क्या कहते हैं मसाले भी अच्छे अच्छे से बिल्कुल गोश्त के अंदर अंदर चले जाए, और तो मज़े के फिर सालन हमारा बनेगा। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून है, ठीक है, ये मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच भर के, ये डाल रहे हैं आप। नमक है 1/2 चम्मच, हल्दी मैंने बिल्कुल कम लिए है, और ये मैंने लिया है पिसी मिर्च, बहुत तेज़ है इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, और वैसे ही बच्चों की वजह से मैं कम डालती हूँ। अपने हस्बैंड ज़रूरत जो ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा डालते हैं, मैं हम लोग कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने कम डाला है। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये देखें आज जो मैं मसाला यूज़ कर रही है, पाया मसाला है, मैंने इतना पाया मसाला ले लिया इसलिए क्योंकि पाया मसाले से टेस्ट बहुत अच्छा है। कभी भी आप अगर आलू गोश्त बनाएं उसमें पाया मसाला थोड़ा भी ऐड कर दें, जितना भी आपके पास है थोड़ा सा भी ऐड कर दें, 2 चम्मच 1 चम्मच, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। इसको फिर मैं कवर अप करके रख दूँगी ताकि हमारे अच्छे से गोश्त भी गल जाए और प्याज और टमाटर भी गल जाए।
फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमारे गोश्त अच्छे से गल गए हैं। अब इसको मैं खूब अच्छे से भून रही हूँ। भूनने के बाद मैंने इसमें आलू इसमें ऐड कर देना ताकि आलू भी पक जाए और भून रहे। इसमें पानी ऐड करके ये हमारा फिर सालन रेडी हो जाएगा। फिर ऊपर से हरा धनिया मिर्चें हरी मिर्च डाल रही हूँ। ठीक फ्रेंड्स इसमें मैं गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ। लास्ट में भूनते हुए बस गर्म मसाला हमें डालना है। ये मैं आधा चम्मच डालूँगी, ठीक है। मैंने आधा चम्मच डाल दिया है। इसको अच्छे से भुनाई करके अब इसमें जस्ट आलू जाएंगे। ये हमारे आलू गोश्त की शक्ल आ गई है और बहुत यम्मी सा लग रहा है। आलू डाल देना है इसमें। बहुत अच्छे से मैं भूनूंगी। सही है आलू गोश्त का सालन है। अभी अच्छे से हमें 2 मिनट और भूनना है। फिर उसके बाद पानी डाल करके आलू गल गए। फिर उसके बाद का बनाया डिश तैयार। अच्छा जी फ्रेंड्स, फिर अब मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था, फिर जीरा डाला था, उसमें मैंने टमाटर डाला था, टमाटर के छिलके हटा लिए थे और प्याज लाइट ब्राउन करी थी, सही है। उसके बाद मैंने मसाले में नमक डाला था, पिसी मिर्च डाला था, धनिया पाउडर डाला था इसमें, और इसमें मैं हल्दी डाली थी और पाया मसाला डाला था, सही है। अब मैंने इसको फिर गोश्त भी गल गया। अब आलू गलेगा इसलिए अब मैं पानी ऐड करके इसमें इसको लास्ट में हरा धनिया और मिर्ची डालना। चलेगी हमारा पानी और अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे रख दूँगी ताकि ये है क्या ना ये अच्छे से इस पर ऑयल ऊपर आ जाए और फिर मैं हरा धनिया और मिर्ची डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखें यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म आलू गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। आलू भी बहुत अच्छे से गल गया है, आलू की शक्ल भी देखें बहुत अच्छे से गल गया है और बीफ भी बहुत अच्छे से गल गया है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इस तरह गाढ़ा भी होना चाहिए और ना प्याज दिखे ना टमाटर दिखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होते हैं। आलू गोश्त की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर सब्सक्राइब किया हुआ तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि रेसिपी कैसी लगी।